सितंबर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मली, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति भलही। नृप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्षे सकल निसाव साना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हहीं टूटे धनुष सुखारे। उयउ भानु बिनु श्रम तमनासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई। चलहु तात मुनि कहे उतब, पठवा जनक बोलाई। स्वयं बरु देखिय जाई, ईसु काही धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जापर होई। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीनी असीस सब ही सुखुमानी। पुनि मुनि वृंद
नंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाला। रंगभूमि आए दो भाई हसी सुधी सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू आसन उचित देहू सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठ रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार।